हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए और यहाँ पर ऑल कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप ICICI बैंक का डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, इसका ऑनलाइन पिन कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पर ऑफलाइन पिन जनरेट करना तो काफ़ी आसान है, आप किसी भी ICICI बैंक के ATM में जाएंगे और वहाँ पर नया पिन बना लेंगे। लेकिन ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस अलग है, डिफरेंट है और बैंकों की तुलना में। और बैंक का जो पिन जनरेट होता है ऑनलाइन, वह ICICI बैंक के ATM कार्ड का पिन जनरेट करने के तुलना में अलग है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार में समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, जिससे कि आप लोगों को मालूम हो सके। यहाँ पर देखिए, ये ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है, ये वीजा कार्ड है और इसका हम ऑनलाइन पिन जनरेट कर रहे हैं। ऑनलाइन पिन जनरेट करना आप लोगों को सिखाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन पिन, ICICI बैंक का डेबिट कार्ड का ऑनलाइन पिन जनरेट करने का दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस तो ये कि आप ICICIbank.com खोल करके वहाँ से कर सकते हैं या फिर आप iMobile ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आपने अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है ICICI बैंक में, तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि घर बैठे ICICI बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं ICICI बैंक का घर बैठे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ICICI बैंक का ऑनलाइन हम पिन जनरेट कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप क्या कीजिए, आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, यदि लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप अपना मोबाइल में क्रोम खोल लीजिए और क्रोम को डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड में कर देने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है ICICI। जैसे ही सर्च करेंगे ICICI, आपके सामने में पहला नंबर पे आ जाएगा ICICIbank.com, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने में इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ लॉगिन में क्लिक करना है, यहाँ लॉगिन पर। चलिए हम लॉगिन में क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये नया पेज आपके सामने में ओपन होगा। डाल करके इसमें यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डाल करके अपनों लॉगिन हो जाना है। चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ सर्विस, यहाँ व्यू ऑल। यहाँ क्या कीजिए, आप व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ही, यदि आपने अपना एक्टिवेट नहीं किया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जनरेट कार्ड पिन। आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर फिर आपको आएगा डेबिट कार्ड पिन और क्रेडिट कार्ड पिन। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना CVV नंबर डाल करके आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, यहां सबमिट करेंगे। अब आपको यदि नहीं मिलता है, यहां पर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है जनरेट करने के लिए जनरेट कार्ड पिन, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर अकाउंट में क्लिक करना होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अकाउंट, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नजर आएगा जनरेट डेबिट कार्ड पिन ऑनलाइन, यहां पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर CVV नंबर डाल के अपना सबमिट करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर पिन जनरेट कर सकते हैं डेबिट कार्ड का। यहाँ पर हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करके, तो आप वीडियो को बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग के ऐप के थ्रू हम कैसे डेबिट कार्ड का यानी ATM कार्ड का पिन बनाते हैं घर बैठे। यहाँ पर आप वीडियो के साथ बने रहिए, लाइव आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम इसका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करते हैं ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले अपना मोबाइल में iMobile आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में ये iMobile ऐप है,
ये हमने डाउनलोड कर लिया है, ओपन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दें कि यदि आपने बिना एटीएम कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के आप अपना आई मोबाइल ऐप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा तो आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से बिना डेबिट कार्ड के अपना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं। चलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 4 डिजिट का लॉगिन पिन डाल करके इसमें लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर करना क्या हुआ, यहाँ पर सर्विस दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पर आपको सर्विस दिख रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सर्विस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर जाना है कार्ड पिन सर्विस, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, डेबिट कार्ड पिन जनरेट और क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट। यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर लेना, आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड आया है तो आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं, यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ चलिए हम डेबिट कार्ड मेरे पास है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट नंबर अपना। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है डेबिट कार्ड जो आपके पास आया है। अब यहाँ पर अपना सीवीवी नंबर जो है, यानी कि आपके एटीएम कार्ड के पीछे में रहता लिखा हुआ, उसको यहाँ पे डाल देना है सीवीवी नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का सीवीवी नंबर आपके पीछे में, कार्ड के पीछे में होगा, यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है सीवीवी नंबर। अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन बनाना है 4 अक्षर का। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर रीइंटर करना है, यानी फिर से आपको डेबिट कार्ड का पिन जो आपने बनाया है ऊपर में, इसको फिर से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि क्या टाइप करना है, ए में, फिर आई में और ओ में। हो सकता है कि यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड में जो पिन बनाएंगे तो यहाँ पर बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, आई के बदला में जे लिखा होगा, के लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, ओ के सामने में यहाँ ओ के बदले में एम लिखा होगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। अब आप लोग डेबिट कार्ड को पीछे पलटिएगा, यहाँ पर दिखा दे स्क्रीन पर आपको। यहाँ पर देखिए ये डेबिट कार्ड है, इसका पीछे में आपको इस तरह से लिखा हुआ सामने में लिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर ए के सामने में 3-2 लिखा हुआ है, आई के सामने में लिखा हुआ है, बी के सामने में लिखा हुआ है, जे के सामने में लिखा हुआ है, के सामने में लिखा हुआ है। तो आपको यही टाइप करना है, जैसे कि ए के सामने में क्या लिखा हुआ है 3-2। तो यहाँ पर जैसे कि ए के सामने में यहाँ पर क्या टाइप करना है हमको, तो यहाँ पर देखिए मेरे केस में ए के सामने में लिखा हुआ 3-2, आप में हो सकता है 5-2, 5-7, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपको यही टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ए 3-2 लिखा हुआ है तो यहाँ हम टाइप करेंगे 3-2, और यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो आई के सामने हम टाइप करेंगे, यहाँ पर आई में जो लिखा हुआ है मेरे सामने में वो हम टाइप करेंगे, यहाँ 6-1 लिखा हुआ है तो हम 6-1 टाइप करेंगे। अब यहाँ पे ओ के सामने में है, मेरे केस में लिखा हुआ है ओ के सामने मेरे केस में लिखा हुआ 8-5, तो यहाँ हम 8-5 टाइप करेंगे। आप अच्छी तरीका से यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया योर पिन हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ से ओके कर लीजिए, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होगा। यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं मैसेज पर, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया डियर कस्टमर योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेट थ्रूज आई मोबाइल, इफ़ यू हैव नॉट जनरेट प्लीज कॉल योर कस्टमर केयर। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने दोनों प्रोसेस बता दिया, एक ऐप के जरिए ICICI मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, और दूसरा यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोगों को पिन जनरेट करने के लिए बता दिया है। उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।